अब मैं जा रही हूँ फ्रेश एंड ग्रीन, थोड़ा सा मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना है और फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स तो मुझे लेनी नहीं है अभी, मैंने वेजीज ले ली थी ऑलरेडी। तो ये जोधपुर का चौपाटी जोन कहा जा सकता है इसे, ये है शासी सर्कल और लोग इवन यहाँ वॉक करने भी आते हैं शाम को। काफ़ी अच्छे झूले वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। गाड़ी यहीं पार्क कर देती हूँ। देखिए इस बार मैं ये सारा सामान लेकर आई हूँ, जिसमें है मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और थोड़ा सा दलिया, इलायची, बेसन और ये मिंट, ग्रीन मिंट जो है मालास का, बहुत अच्छा है वर्जन मोहितो बनाने के लिए, तो बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा एसेंस है ये। थोड़ा सा कॉफ़ी लेकर आ गई, घी लेकर आ गई, मैगी है, पोहे है और रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो वगैरह, और थोड़ा चटरपटर के लिए केले के चिप्स, दो तरह की नमकीन, एक खारी का पैकेट, केक का, चॉकलेट केक का पैकेट मुझे बहुत पसंद है ये, घर में भी काफ़ी बनाती हूँ मैं, बट इस बार मार्केट से लाने का मन था। ये अलग अलग तरह की ब्रेड्स है, बॉम्बे पाव है, नॉर्मल पाव है, टोस्ट का पैकेट है, बिस्किट्स का पैकेट है, तो ये सब मैं अटर पटर के लिए लेकर आई हूँ। अब मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे, लौकी के कोफ्ते की। तो लौकी को मैंने ग्रेट कर दिया है अच्छे से और ऐसे मैं इसको पानी पूरा निचोड़ के निकाल रही हूँ। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसके अंदर हम लोग मिलाएंगे दही, 2 चम्मच मैं इसके अंदर दही मिला रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। मैंने जो ये लौकी दी है इसके अंदर 4 चम्मच बेसन डाला है, इसमें डाला है 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, करीब 1/4 चम्मच। इसके अंदर 2 पिंच अजवाइन डाली है और 1/4 चम्मच नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा तेल। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी ऊपर से डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि लौकी को चाहे कितना भी निचोड़ लो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रहता है। उसकी मैंने इस तरह से गोलियां बना दी, उसको फ्लैट करके, और मैं तेल मीडियम हॉट मैंने कर रखा है, उसके अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तब हमको इन्हें निकालना है और फिर ग्रेवी बनाएंगे। देखिए अच्छी सी ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, चाहे तो इसको हम ऐसे भी हल्का सा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं, टेस्टी लगती है। अब मैं ग्रेवी के लिए प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक लेकर उसको इस तरह से मैंने बिल्कुल चॉप कर दिया महीन सा, 2 चम्मच तेल ले रही हूँ मैं। इसके अंदर तड़के में डालेंगे धनिया के दाने, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। अब ये चॉप किया हुआ प्याज, मिर्ची, लहसुन और अदरक ये सब इसके अंदर डाल देंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होते ही हमने जो ये दही का पेस्ट बनाया था ये इसके अंदर डाल देंगे। लगातार चलाएंगे क्योंकि अगर चलाया नहीं तो हमारा दही फट सकता है। एक उबाल आने पे हमको चलाना बंद करना है। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 धनिया पाउडर डाल के मैं वापस इसको मिक्स कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा नमक, करीब 1/2 चम्मच डालूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये जो मैंने इसमें लौकी के पकौड़े या कोफ्ते जो भी कहें आप, उसके अंदर हल्के से फोक से मैं ऐसे छेद कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि जो ये रस है वो सारा इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे जो ग्रेवी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब इसके अंदर ये कसूरी मेथी जो सूखी हुई है ये मैं हल्की सी क्रश करके डाल दूंगी। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है आज के डिनर के लिए। लौकी की सिंपल सी ये कोफ्ते की सब्ज़ी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना। आप चाहें तो इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, चाहे जैसे भी आप इसको अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है, लेकिन बहुत ही कम समय में बनने वाली ईजी रेसिपी है ये।
वगैरह बन गया था, खा लिया था। अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में। यहाँ मैंने जितने भी मेरे रूटीन वेयर के अलावा वाले जो साड़ियाँ हैं, दूसरे कपड़े हैं, वो सब कुछ यहाँ रख रखे हैं। तो गए दिनों कुछ साड़ियाँ मैंने पहनी थी रूटीन में, तो उनको मैं वापस यहाँ पे सेटल करने के लिए आई हूँ। और साथ ही के अंदर ये कुछ ड्रेस मटेरियल मेरे पास पड़े हैं, इन्हें मैं निकाल रही हूँ ताकि रमज़ान के महीने के लिए एटलीस्ट हर फ्राइडे एक नई ड्रेस पहनने के लिए मेरे पास रेडी हो सके। मेरे को आइडिया यही है कि शायद मेरे पास में 5 सूट है, तो मैं देख लेती हूँ, 5ों सूट निकाल लेती हूँ। अच्छा, 6 सूट है टोटल मेरे पास में। नीचे चल के फिर दिखाऊंगी कि कैसे हैं ये दिखने में। अभी एक बार तो मैं निकाल के ले चलती हूँ इन्हें। ये इसका दुपट्टा है, इस तरह की लेस लगी हुई है सेम कलर की, और ये सलवार है आई थिंक, और ये है कुर्ता। तो एक सूट तो ये हो गया, फिर ये ग्रीन वाला, ग्रीन एक्चुअली ये सी ब्लू है। बड़ा प्यारा सा कलर है ये भी। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता है कि मैंने ये सूट है ना पहले दिखा रखे हैं या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये मैंने पहले लेकर आई थी, काफ़ी समय हो गया लाए हुए इनको। तो ये इसका है कुर्ता, और ये बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है इसका, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये पजामा, मैं सोचूँ इन सब की ना पैंट स्टाइल ही बनवाने वाली हूँ। और एक ये बहुत प्यारा कलर है, ग्रीन है, इलायची ग्रीन और पिंक, इलायची ग्रीन और पिंक कलर का बहुत ही प्यारा कलर का ये सूट है, जिसमें कुर्ता तो हो गया ये, और ये इसका है दुपट्टा, और ये इसका पजामा। फिर ये तीनों तो मैंने लिए थे, और अब जो 3 है ना वो मेरी मम्मी जी ने, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे दिए। तो ये है एक तो सूट का ऊपर का कुर्ता, और ये इसका पजामा, और ये दुपट्टा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है ये जिसमें पैरट ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है, ये इसका कुर्ता हो जाएगा, ये इसका दुपट्टा, और ये इसका पजामा। साथ में ये लेस भी है अगर लगाना चाहें तो। लास्ट ये एक और है, रेड कलर का है ये, और ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है इसमें। तो ये कुर्ता हो गया, अगेन ये दुपट्टा हो गया, और ये पजामा। तो इसको ना मैं कल सूट सारे सिलवाने के लिए दे दूँगी। सबको ही पैंट स्टाइल ही मैं सोच रही हूँ, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है, क्योंकि जो मेरे टेलर मास्टर है ना उनके आगे मेरी चलती नहीं है तो उनकी चॉइस से सिलवाना पड़ता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको मेरी ये सूट के कपड़े, मुझे ज़रूर बताना। जब भी सिलकर ये आएंगे ना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं इसका शेयर करूँगी रिव्यू, कि कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं ये मुझ पर। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक बिना सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए व्लॉग को लेके। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।